वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्लास चैप्टर। ठीक है, आज हम मैथ्स में कुछ एक टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिसेस। अगर क्वेश्चन में मतलब बहुत टाइप की वो दे रखी हुई पावर्स, तो उसको हम प्लस माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके कुछ मैंने फॉर्मूले लिखे हुए। जैसे कि कह रहा है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है तो हमेशा पावर क्या होंगी, एड होंगी। पावर क्या होंगी, एड होंगी। ठीक है, पावर बोलते हैं स्क्वायर, टू, थ्री, फोर, जो भी दे रखा है। अगर क्वेश्चन में पावर दे रखी है एक ऊपर पावर दे रखी है, अगर डिवाइड में है नीचे भी पावर दे रखी है ऊपर ऐसी, तो हमें इसको क्या करना है, अगर डिवाइड का क्वेश्चन है तो माइनस करनी है, अगर बाहर और अंदर दे रखी है, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड पावर दे रखी है, तो पावर मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई होंगी, यहां क्या होंगी, लेस होंगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दो डिजिट अंदर दे रखी है और बाहर एक पावर दे रखी है, तो हमें क्या करना है, इसकी पावर अलग लिखनी है और दूसरे की पावर अलग लिखनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दो डिजिट दे रखी है, टू डिजिट दे रखी है, ए और बी ऊपर पावर दे रखी है, तो दोनों के ऊपर क्या लिखनी है हमें, पावर। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी ए की पावर जीरो हो, तो हमें वहां पर क्या लिखना है, वन। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, एक्स की पावर टेन इंटू एक्स की पावर 20। इसका बहुत इजी तरीका है, यहां देखिए एक्स, यहां पर भी एक्स है, दोनों हम क्या ले लेते हैं, कॉमन। क्या लेते हैं हम इसमें, कॉमन ले लेते हैं इसमें एक्स। अब मैंने इसमें एक्स कॉमन ले लिया, अब इसमें पावर बची है टेन। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहां की पावर भी क्या होगी इसमें, एड। तो टेन और 20 कितने हो गए, 30। इसका आंसर आ गया एक्स की पावर 30। इतना इजी तरीका। अगर क्वेश्चन में डिवाइड का साइन आ जाए, तो यहां पावर ऊपर दे रखी, नीचे भी देखिए, तो हमें क्या करना है, इसको माइनस, बी की पावर 20। ठीक है, ये प्लस में है, 4 है ये, डिवाइड का साइन है, तो हमें इसे क्या करना है, माइनस। तो 20 में से 4 लेस करोगे तो कितने बचे, 16। ठीक है, ये भी आंसर आ गया इतना इजी। अगर क्वेश्चन में पावर इनसाइड और आउटसाइड हो, तो हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई, 10 ऐसे रहेगा, 5 की 2 से क्या करनी है, मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर कितना गया, 10। 5 टू जर 10। ठीक है, इसका आ गया ये आंसर। फोर्थ पार्ट देखते हैं, अगर क्वेश्चन में दो डिजिट अंदर दे रखी हो और पावर लिखी हो बाहर, तो हमें क्या करना है, इसको प्रोडक्ट करना, मतलब मल्टी अलग अलग लिखनी है। जैसे ए की पावर 15 है, ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बी की पावर 15। ठीक है, ये हमारे क्या है, लॉ ऑफ लॉज ऑफ इंडिसेस। थैंक यू।